हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आप इस टॉपिक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। CA, CS और CM में बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड टॉपिक हो रहा है, वेयर यू शुड गो और विच इज बेटर। जनरली लोग बोलते हैं, आप लोगों ने बोलते सुना होगा, CA बेटर है CS से, या CS बेटर है CM से, या CS बेटर है CA से। CS वाले अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, कहते हैं हमारा लॉ अच्छा है, CA वाले अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, हम टैक्स अच्छा है, CMA वाले अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, हमारी कॉस्ट अच्छी है। मतलब व्हाटएवर, हर एक इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल्स कुछ कुछ अच्छा ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर थोड़ा सा सस्पेंस रह दूं तो कुछ बात कर लेते हैं पहले, फिर सस्पेंस का आंसर देंगे। पहले मैं अगर किसी बंदे को पहले वेयर यू शुड गो का आंसर दे रहा हूं, वेयर यू शुड गो का, आपको कहां जाना चाहिए, तो वो चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप कहां जाना चाहते हो, आपके सर्कमस्टांसिस क्या है, आपका टाइम कितना पीरियड आपके पास है, कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं सर आपसे CA की, तो CA के अंदर तीन लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। CS में बात करूं उसमें भी तीन लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। और CM में भी तीन लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ड्यूरेशन की बात करूं तो सर ड्यूरेशन जो इनकी होती है वो होती है CA की 5 से 6 साल, CS की 4.5 से 5 साल, CMA की 3.5 से 4 साल। इसका रीजन है क्यों, ऐसा क्यों होती है, जरा उसके ऊपर बात करते हैं प्रैक्टिकली कि सर लेवल जब सब में सेम है फर्क आता कहां है। देखो सर, CA में फाउंडेशन एक लेवल, ये आपका 12th करने के बाद 9 महीने के गैप के बाद होता है। सपोज अगर बच्चे ने 12th करी है मार्च में, तो उसको दिसंबर अटेम्प्ट पहला मिल जाता है, सेम CS के अंदर, सेम CMA के अंदर। फर्क कहां आ रहा है, और एक बार आपने फाउंडेशन तीनों को क्वालिफाई करा, डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी इंटर के अंदर, डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी इंटर के अंदर, और वो होगी फिर आपके फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, जब आपकी एंट्री होगी इंटर में, वो 9 महीने बाद पेपर होंगे। मतलब ले दो, ले दे कि ये मान लो सपोज इस दिसंबर में आपका फाउंडेशन क्लियर हो, तो अगले साल के दिसंबर में आपका इंटर होगा। सपोज इधर से इंटर होगा, उधर से एग्जीक्यूटिव होगा, उधर से भी इंटर होगा CMA में। इसके बाद डिफरेंस आता है इंटर्नशिप का, इसके बाद डिफरेंस आता है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप CA में 3 साल की है, CS में जो करंट टेस्ट सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद 2 साल की, बनने के बाद 1 साल की, लेकिन इसको टोटली चेंज कर रहे हैं और वो ला रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही 2 साल की कर रहे हैं। तो ले दे के आप यहां पे माना 2 साल की इंटर्नशिप यहां पे है, और CMA के अंदर इंटर्नशिप तो बेसिकली 3 साल की है, लेकिन CMA में एक चक्कर है, इंटर क्लियर करने के बाद आप 6 महीने की इंटर्नशिप करके पेपर दे सकते हो। जैसे CA के अंदर तो क्या होता है, आप 3 साल पहले इंटर क्लियर करने के बाद 3 साल की इंटर्नशिप करोगे तभी फाइनल पड़ेगा। तो आप खुद देखो कि पहले 2 साल तो पहले वहीं लग गए थे फाउंडेशन इंटर में, 3 साल की तो ट्रेनिंग ही होगी, उसके बाद फाइनल पड़ेगा। तो 5, 5.5 साल की ड्यूरेशन पड़ गई अपने आप ही, ये तब अगर पहली बार में निकलोगे। CS में क्या है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव वही 2 साल हो गए, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद फाइनल लगेगा, जो भी रूल ला रहे हैं अभी। अगर नहीं ला रहे तो उसके हिसाब से, अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं, तब भी एग्जीक्यूटिव में उनका सिस्टम ये है कि 2 साल की इंटर्नशिप साथ साथ फाइनल कर सकते हो, तो उससे फायदा ये हो जाएगा आपकी ड्यूरेशन 3.5-4 साल की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी। अदरवाइज अगर यहां पे ट्रेनिंग 2 साल की हो गई, तो पहले 2, फिर 2, उसके बाद 6 महीने, 4.5-5 साल की आपको बैठ जाएगी CS की भी, और फिर प्रोफेशनल है। लेकिन CMA में खासियत क्या है कि फाउंडेशन दिया, इंटर दिया, 6 महीने की इंटर्नशिप करी, उसके बाद आप सीधा फाइनल देने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बच्चा क्या करता है, 2.5 साल की रिमेनिंग ट्रेनिंग करता ही नहीं है CMA का बच्चा। वो क्या करता है, CMA का बच्चा 2.5 साल की ट्रेनिंग की जगह वो इंडस्ट्री में सीधा जॉब ज्वाइन कर लेता है। जॉब ज्वाइन करने के बाद वहां आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अपनी ट्रेनिंग में एग्जम्पशन लेता है। CMA वालों की खासियत है कि CMA में आपको ट्रेनिंग एग्जम्पशन मिल जाती है। अब आप इंडस्ट्री में वर्क शो कर दो कि आपने अकाउंट्स में, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आपने काम करा, या टैक्सेशन रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आपने काम करा है, तो आपको वहां पे काम करने के बाद यहां पे एग्जम्पशन शो हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है कि 3 साल की पूरी इंटर्नशिप नहीं करता, क्योंकि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलेगा 8,000, 10,000, 12,000। वो क्या करता है, 6 महीने के बाद फाइनल देता है, फाइनल के बाद क्वालिफाई होता है, 30,000-35,000 की नौकरी लगती है, उसके बाद वो सीधा क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को शो करता रहता है। हालांकि उस पर साइनिंग पावर तब तक नहीं आएगी जब तक 2.5 साल की पूरी ट्रेनिंग रिमेनिंग वाली कंप्लीट नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, 2.5 साल तक बिना साइनिंग पावर के वो अपना काम करता रहेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, बाद में एग्जम्पशन ले लेगा। हालांकि CMA अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ज्यादातर जो लोग करते हैं वो करते ही वही हैं जो वर्किंग पीपल होते हैं। उसका एक रीजन है, सपोज कोई बंदा 4 या 5 साल से जॉब कर रहा है, अगर वो 4-5 साल से जॉब कर रहा है और अपनी अपने आप को इंडस्ट्री में प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए वो अपने आप को CMA के अंदर लाना चाहता है, वो अपने आप में कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहता है, तो वो बंदा CMA चुनता है। क्यों, क्योंकि CA और CS वाले एग्जम्पशन देते नहीं।
तो उससे क्या फायदा होगा सीएमए में, उसको फायदा क्या हो जाएगा उस बंदे को कि उसको जितने साल से 3 साल काम करा 3 साल उसको यहाँ एग्जामिनेशन मिलेगी, उसकी ट्रेनिंग खत्म, ट्रेनिंग यहीं पे एग्जाम, सीधा सिर्फ 3 लेवल दे रहे हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल। और ज्यादातर ये जो वर्किंग पीपल होते हैं ये लोग आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं तो इनका फाउंडेशन वैसे भी एग्जाम्प्ट होता है, तीनों का ही फाउंडेशन एग्जाम्प्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो तो आपको खाली 2 ही लेवल देने हैं तीनों कोर्सेज के अंदर, फाउंडेशन लेवल एग्जाम्प्ट होता है तीनों ही कोर्सेज के अंदर, फाउंडेशन लेवल एग्जाम्प्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर उसके बाद देखें तो सीए अगर आफ्टर ग्रेजुएशन देखें तो कितने साल की पड़ जाती है, 4.5 साल की, सीएस कितनी पड़ जाती है 3.5 साल की, और सीएमए कितने पड़ जाती है 2 साल की, क्या अगर उन लोगों ने पहले से ही काम कर रखा है 2 से 2.5 साल की, अगर वो लोग पहले से ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी यहां पे। अब बात आती है सर, इसलिए ड्यूरेशन समझ आ गई, ड्यूरेशन सारा खेल पड़ रहा है ट्रेनिंग का, क्योंकि इसमें जो सीए में ट्रेनिंग है मैंडेटरी वो 3 इयर्स की है, सीएस में मैंडेटरी करंट में तो एग्जीक्यूटिव के बाद 2 साल की है, फाइनल के बाद 1 ईयर की, लेकिन अब जो आगे ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए स्ट्रक्चर चेंज हो ही रहा है तो यहां मान लो 2 इयर्स की है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं करंट की भी क्या है, करंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो बनने के बाद 1 साल की, आफ्टर प्रोफेशनल भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आफ्टर प्रोफेशनल 1 ईयर की अब जो रेनी करिए, हालांकि 1 ईयर मैं खुद सजेस्ट करूंगा मत करा करो, 12 महीने में कुछ भी नहीं होता, बेकार है। और आफ्टर एग्जीक्यूटिव, आफ्टर एग्जीक्यूटिव ये तो क्या आफ्टर प्रोफेशनल थे, आफ्टर एग्जीक्यूटिव है उनकी 2 साल की, 2 इयर्स की। और सीएमए में ट्रेनिंग तो है 3 इयर्स की मैंडेटरी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स आप एलिजिबल हो तो पेपर देने के, इंटर क्लियर करने के बाद 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी होती है खाली, और आप फाइनल के लिए एलिजिबल होते हो पेपर देने के लिए। और फाइनल के लिए एलिजिबल होते तो बंदा फाइनल क्लियर पहले ही कर लेता है तो वो 2.5 साल में सीएमए बन जाता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग रिमेनिंग करता ही नहीं है। हालांकि मेरा पर्सनल सजेशन है सीएमए वाले बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूं इतने साल उनके साथ टीचिंग में हूं, कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग तो कर लिया करो भाई, 1 साल की तो कर लिया करो तो फायदा रहेगा, कुछ अपने लिए लर्निंग करोगे। 6 मंथ्स के बाद एग्जामिशन ले लोगे, एग्जामिशन तो मिल गई लेकिन काम नहीं आता, फायदा नहीं उस डिग्री का। तो देखा जाए ये तीनों की ड्यूरेशन है, तो अगर इसके हिसाब से बात करूं आफ्टर ग्रेजुएशन तो ये पड़ जाती है, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मैं आपसे बात करूं तो 1-1 साल घटा दो, ये 4 साल की पड़ जाएगी, 4 से 4.5 साल, ये पड़ जाएगी 3.5 से 4 साल, और ये पड़ जाएगी 2 से 2.5 साल, 2 to 2.5। अनदर फैक्टर की बात करता हूं जो मेन सीएसीएस चूज करने के लिए की जाती है, एक चीज याद रखना सीए एंड सीएमए के अंदर न्यूमेरिकल पेपर्स पे ज्यादा फोकस होता है, न्यूमेरिकल पेपर्स पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे मैथ्स फाउंडेशन तक मतलब उसके बाद तो नहीं होता, अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स। हालांकि अगर मैं इनमें से भी कंपैरिजन करूं तो अगर आपसे बात करूं तो अकाउंट्स और टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस सीए वालों का होता है, और अगर मैं बात करूं सीएमए वालों का कॉस्ट पे और टैक्स पे होता है, अकाउंट्स पे ऐसा सच नहीं, कॉस्ट और टैक्स पे इनका ज्यादा फोकस होता है। हालांकि पढ़ाया इक्वली आता है लेकिन ज्यादा डेप्थ की अगर बात की जाए तो यहां की जाती है। लॉ इन लोगों को भी पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं लेकिन कम पढ़ाया जाता है दोनों को। अब मैं बात करूं सीएस की तो जिन लोगों को आपका कह सकते हैं ना एनालाइज करने की पावर ज्यादा अच्छी है, एनालाइज करने की, जिनको आपको कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल पेपर, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा, देखो लोग कुछ लोग ना आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल, जिन लोगों को थ्योरेटिकल पेपर करने होते हैं जिनकी थ्योरी अच्छी है वो सीएस में, जिनके प्रैक्टिकल अच्छे हैं वो सीएमए और सीएमए में जाए, थ्योरी नाम की तो कोई चीज है होती ही नहीं, देखो प्रैक्टिकल होता है वो, जिसको जिसको तुम लोग प्रैक्टिकल बोलते हो वो न्यूमेरिकल होता है, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हो वो न्यूमेरिकल होता है। बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिकली इज दैट थिंग विच हैज प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल चीज वो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, और लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन तो किसी चीज की होती ही नहीं, लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन तो किसी चीज की होती ही नहीं। तो इनको जिन लोगों को इधर अगर हम कह सकते हैं कि इधर जो ज्यादा पेपर है वो न्यूमेरिकल नहीं होते, थ्योरी की फॉर्म में होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्रोच से होते हैं, कैसे होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से होते हैं, तो जिनको अगर हम कहें लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है तो यहां पे आउट ऑफ 8 पेपर्स इंटर में अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 8 पेपर्स कम से कम 6 पेपर लॉ के हैं, और सीएस फाइनल में 9 पेपर होते हैं उसके अंदर कम से कम 6 से 7 पेपर फिर लॉ के हैं।
तो जिनको लॉ वगैरह की डिटेल ज्यादा करनी है, ज्यादा न्यूमेरिकली कैलकुलेटिव माइंड अच्छा नहीं है लेकिन ज्यादा अच्छी एनालाइज करने की चलती, इनको इको बीएसटी वगैरह अच्छी लगती थी, वो लोग सीएस ज्वाइन कर सकते हो। जिनको न्यूमेरिकली अच्छा लगता है वो ये ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात देखो, कई फैक्टर हो गए, एक तो थ्योरी वाला फैक्टर हो गया जिसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच वाला, एक वो और दूसरा न्यूमेरिकल वाला, पैक तो चॉइस ही हो गई। दूसरी चॉइस हो गई आपकी ड्यूरेशन के बेस पे, आपकी यार ड्यूरेशन कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। अगर अब मेरे से बोले सर तीनों में बेटर कौन है, तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं। तीनों प्रोफेशंस जो हैं उनकी सेपरेट क्वालिटी है, सेपरेट क्वालिटी है। आप लोगों ने सुना होगा कईयों के मुंह से कि सर ऑडिट सीए वाले करते हैं, सीएमए वाले नहीं करते, सीएस वाले नहीं करते, या दूसरे करते हैं। ऐसे सबके अपने अपने ऑडिट हैं। सीए वालों की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कई बार दूसरा नाम दे देते हैं, वो सीए वाले करते हैं। कौन करते हैं? सीए वाले। सीएस वाले सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं, सारे ऑडिट करते हैं, मतलब हर एक प्रोफेशन ऑडिट करता है। सेक्रेटरी ऑडिट को हम कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं, कंपनी में जितने लॉ लग रहे हैं कंप्लायंस ऑडिट वो ये करते हैं। और सीएमए वाले अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉस्ट ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट ऑडिट। और तीनों ही प्रोफेशनल बॉडीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों ही प्रोफेशनल बॉडीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सबका लिंक है। जैसे बताता हूं तुम्हारे को प्रैक्टिकली, मेरे कितने नोन में सी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि वो लोग फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं, हम लोग रिटर्न्स करते हैं, एनुअल फाइलिंग करते हैं, उनको कंसल्टेंसी करते हैं कैसे इंपैक्ट करना है, तो वो फाइनेंशियली ऑडिट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी रिटर्न फाइलिंग, उनका सारा काम, लीगल वर्क, सेक्रेटरियल वर्क हम लोग करते हैं। सेम सीएमए वाले कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, उनके आगे का फाइलिंग का लीगल वर्क हम करते हैं। तीनों प्रोफेशनल बॉडीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, हर किसी का अपना वर्क एरिया है, इसलिए कोई किसी को कह नहीं सकता। तो ये कॉस्ट ऑडिट ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में होता है। कहां होता है? सीएमए का कॉस्ट ऑडिट ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर होता है। ड्यूरेशन का खेल है, बाकी तीनों प्रोफेशनल बॉडीज की इक्विवेलेंट वैल्यू है, इसीलिए इन लोगों को सिस्टर बॉडीज भी बोला जाता है, सिस्टर बॉडीज भी बोला जाता है इन तीनों की बॉडीज को, क्योंकि सीए को रेगुलेट करती है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस को रेगुलेट करती है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और सीएमए को रेगुलेट करती है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका भी आईसीए लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो सर तीनों का स्कोप इक्विवेलेंट है, क्योंकि तीनों की जो सैलरी है, फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी जो तीनों के अंदर है, स्टार्टिंग सैलरी वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बहुत अच्छी जगह लग रही है जॉब बिग फोर्स के अंदर, जैसे अगर हम बात करें एमएनसीज वगैरह में, तो आपकी सैलरी 40-45-50 लाख से लेंगे, स्टार्टिंग सैलरी 30-40K की रेंज में वेरी करती है तीनों के अंदर ही, फ्रेशर की रेंज में वेरी करती है तीनों की ही, तीनों प्रोफेशनल्स की स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर की इतनी ही होती है। समझ आई? कुछ बुरे होते हैं लोग जिनको नॉलेज कम होती है, उनकी इनसे भी कम होती है, कुछ अच्छे होते हैं वो इनकी इनसे ज्यादा भी होते हैं, वो 50 तक भी ले जाते हैं फ्रेशर में, कुछ लोग लाख भी ले जाते हैं फ्रेशर में, वो उनके ऊपर परसेंट टू परसेंट नॉलेज पे। और मैक्सिमम ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों में भी लोग अर्न कर रहे हैं तीनों ही बॉडीज के अंदर। तीनों ही कोर्स इक्विवेलेंट वैल्यू के, तीनों ही करने के बाद आप लोग प्रोफेशनल बनोगे, चॉइस आपके ऊपर है आपको कहां जाना है। कई फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, न्यूमेरिकल थियोरेटिकल वाले, और दूसरी हमने फैक्टर्स कंसीडर करने हैं आपका, अगर हम बात करें ड्यूरेशन वाले जो मेन बंदे के होते हैं, और बाकी रिजल्ट की बात करें तो सारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 8-10% आता है, तो रिजल्ट भी सबका स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं किसी का कम किसी का ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बात करें तो फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, फीस का भी ज्यादा फर्क नहीं आता। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पे, तो एक चीज नई आ गई है, जीएसटी ऑडिट। वो तो खाली कर ही सीए में और सीए सकते हैं, सीएस वालों की पावर नहीं है जीएसटी ऑडिट करने की, सीए और सीएम में कर सकते हैं, सीए वालों, सीएस वालों पे पावर नहीं है, लेकिन सीएस वाले इसकी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। रीजन समझ आता होगा, सीएस वाले भी टैक्सेशन में होते हैं। पहले थोड़ा सा वर्क बता दूं आप लोगों को, अगर इनका तो जो सीए वालों को वर्क करना होता है, सीए वाले ज्यादातर वर्क में जाते हैं, वो जाते हैं आपका ऑडिट्स, टैक्सेशन, अकाउंटिंग। सीएमए वाले जो जाते हैं वो जाते हैं कॉस्ट, कॉस्टिंग के अंदर, इनकी कॉस्टिंग के सेपरेट काम होते हैं, टैक्सेशन में ये लोग भी जाते हैं और अकाउंटिंग में भी जाते हैं, और ऑडिट ये भी करते हैं, ऑडिट तो ये भी करते हैं लेकिन कॉस्ट वाला,
ये लोग भी करते हैं इंटरनल ऑडिट वगैरह। इंटरनल ऑडिट तो कोई भी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट खाली जो होता है फाइनेंशियल वाला वो सीए करता है, सीएमए वाले कॉस्ट ऑडिट करते हैं। अब सीएस वालों की बात करूं तो ये लोग ऑडिट ये भी करते हैं, लेकिन कौन से वाले आपका अगर मैं बात करूं तो वही सेक्रेटेरियल वाले इंटरनल ये भी कर सकते हैं। टैक्सेशन में ये लोग जीएसटी की कंसल्टेंसी करते हैं, इनकम टैक्स में ये लोग कंसल्टेंसी बहुत कम डील करते हैं सीएस वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ, फेमा लॉज, जितने लॉज है फॉरेन एक्सचेंज के लॉज, इसके अलावा एनी अदर सेबी के लॉज, इसके अलावा जितने लीगल मैटर्स होते हैं और सेक्रेटेरियल मैटर्स मतलब कंपनी को चलाने के लिए रूटीन वर्क जितने भी होते हैं वो सारे सीएस वाले करते हैं। काम ही देख रहे हो अब तीनों के डिफरेंट है। जब काम ही डिफरेंट है, देखो जब क्या होता है, एक चीज सीखी होगी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। कंपैरिजन तब होगा जब सबका काम सेम होगा, जब कंपैरिजन सेम नहीं है, टेन्योर सेम नहीं है, तो कंपैरिजन का कोई लेना देना ही नहीं है। तीनों ही प्रोफेशनल बॉडीज ऊंची है, चॉइस आपके ऊपर है आपने कहां जाना है, आपने कहां जाना है। तो अब अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूं विच इज बेटर तीनों में से, तो ऑल आर बेटर, सारे ही बेटर हैं, चॉइस आपके ऊपर है वेयर डू यू वांट टू गो। सब अपने आप में बेस्ट है, हर एक प्रोफेशनल की इज्जत है, हर एक प्रोफेशनल रिस्पेक्टेड है, प्रोफेशनल है। आप किसी से भी बात करो, आप भले वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, बात करने के बाद ही पता लग जाएगा कि इनका लेवल अच्छा होता है लोगों का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे एंड इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, ताकि उन लोगों का भ्रम उतर जाए जो लोग वैम में जीते हैं एक दूसरे को वो करते हैं। और एक चीज याद रखना, सिस्टर बॉडी से बोला था एक्चुअल में मिलके रहते हैं जब सारे, तो ग्रोथ ज्यादा होती है, कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी का किसी के बिना काम नहीं चलता। चलिए इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे यार, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।